विकास, क्या विकास चाहिए किसको? बीजेपी ने नहीं, चेयरमैन ने विकास नहीं किया था, बीजेपी से क्या मतलब है? बीजेपी तो क्या माहौल लग रहा है आपके हिसाब से हैदराबाद? माहौल बीजेपी का है, पूजा दीक्षित का है, पूरा चुनाव एक तरफा जीत रही है पूजा दीक्षित। आयु के साथ घूमेंगे हम लोग, हिंदू हैं, हिंदू के साथ रहेंगे। साइकिल टोपी लगाए रहो तुम दिन? हम टोपी लगाए, टोपी क्यों लगाएंगे भाई, हम हिंदू हैं तो टोपी क्यों लगाएंगे। आपका फेवरेट कौन है? आलोक तिवारी। हैदरगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र के सुबेहा को जाने वाले संपर्क मार्ग पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं, कुछ लोग इनसे सीधा सवाल जवाब करेंगे इस बार हैदरगढ़ का माहौल कैसा है, क्योंकि हैदरगढ़ का माहौल कई लोग कहना कि त्रिकोणीय चल रहा, कई लोग कहना कि माहौल यहाँ पर कांटेदार है, कुछ लोग बीजेपी को बता रहे हैं, कुछ लोग सपा को बता रहे हैं, मतलब जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? रत्नम साहू। क्या माहौल लग रहा है आपके हिसाब से हैदरगढ़? माहौल बीजेपी का है, पूजा दीक्षित का है, पूरा चुनाव एक तरफा जीत रही है पूजा दीक्षित। पूजा बहुत से लोग बता रहे हैं समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी से काफी आगे पूजा दीक्षित और एक तरफा चुनाव जीतेंगे। एक तरफा चुनाव जीतेंगे, एक तरफा। अच्छा, लोग कहते हैं विकास ही नहीं किया पूजा दीक्षित ने। बहुत विकास हुआ, आप हैदरगढ़ बस स्टेशन चले जाइए, देखिए कितना विकास हुआ है। अच्छा, सवाल हमारा है कि किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ेंगे वो? चुनाव विकास का है, विकास का है जी। पवन कुमार। क्या माहौल रहेगा हैदरगढ़ का? हैदरगढ़ का माहौल ठीक है, पूजा दीक्षित है सर। कार्यालय सामने, इसलिए तो आप नहीं करो? नहीं, हम लोग को कॉलोनी मिली है, हर सुविधा मिली है। किसके किसके बीच में टक्कर लग रही है आपको? अब ज्यादा कर तो पूजा दीक्षित आ रहे हैं। और बाकी तो आम जनता है ही है। सपा का माहौल कर गया, साइकिल 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 तो नहीं चली? नहीं, साइकिल उतना नहीं जितना ये है। तो साइकिल वाली रैली में घूमत रहो? अरे सरकार, हम धंधा वाले आदमी साइकिल रैली कहाँ घूम पे? देखा है नहीं। प्रमोद शर्मा। माहौल क्या है आपके यहाँ का? कहे का माहौल चुनाव का? अरे सर जी, हम लोग चुनाव से कोई विशेष मतलब ही नहीं हम लोगों का, क्योंकि हम लोग भैया इलेक्ट्रीशियन है, छोटे मोटे आदमी हैं, कोई इतने बड़े आदमी है नहीं हम लोग। मतदाता तो हो? अरे मतदाता हैं, सब कुछ है। तो बताओ का माहौल? तो माहौल सबका है, अभी अभी से कौन सा माहौल का माहौल बताओ तुम बस। मेरा माहौल, मैं तो बीजेपी कैंडिडेट, मैं खुद ही बीजेपी का वो क्या है समर्थक है। समर्थक हैं आप बीजेपी के? समर्थक हैं। तो उस दिन साइकिल में रहो? कहाँ साइकिल में, आपने देखा था? हम रैली में देखे ना साइकिल। कौनी रैली में? कौनो रैली में जाते नहीं। अच्छा, बीजेपी तो लोग कहते हैं यहाँ विकास ही नहीं किया बीजेपी ने, तो आप बीजेपी की बात करते हैं? विकास, क्या विकास चाहिए किसको? बीजेपी ने नहीं, चेयरमैन ने विकास नहीं किया था, बीजेपी से क्या मतलब है? बीजेपी तो जो कर रहा है। बीजेपी के साथ हैं? हम बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, देख लो तो क्या करी, हम तो देख ली ना, अब कहाँ तक देखी, 10-15 साल से देख रहे हैं। आलोक तिवारी के साथ हैं? दोनों सदैव का? नहीं ना भैया, व्यवहार। अच्छा, व्यवहार नहीं ना, व्यवहार है ना, तो व्यवहार नहीं है, ये बीजेपी है। तो हम आलोक तिवारी भैया, आलोक भैया। अच्छा, अब तुम अपने दिल की बात बताओ भैया। दुकान ना तुम्हारा कोई बंद कर दे यार, समझो मेरी बात नहीं का। हाँ, खुलके बताओ ना। हम सबके साथ हैं, जिसका माहौल रहेगा उसके साथ। ये भैया देखो, दुकानदार हैं, समझो ये पेवर दुकानदार हैं, सोचत की अगर हम एक आदमी नाम ले ले तो हमारी दुकान सौदा लिए ना लोग हैं, इसलिए बोल रहे हो, है ना? यही बात है ना? हाँ, यही बात है। कैमरा बंद कर दिया, तुम बताओ कोई के साथ हो? हम सबके साथ हैं, हमारे यहाँ खुद चाचा में सभासद प्रत्याशी। अरे सभासद माओ, चेयरमैन की बात करो हमसे। चेयरमैन जो बता तो रहे हैं, भाजपा सपा किसके साथ हो आप? हम जो जिसका माहौल, भाजपा सपा किसके साथ, बात बताओ काम की बात, सीधे घुमाओ नाम का। हमारे यहाँ हमारे बिरादरी हरी हरी भाई भी हैं। अच्छा, तुम भाजपा सपा हम सब बताओ? हम पार्टी कोई नहीं। अच्छा, पार्टी साथ नहीं ना, बिना पार्टी वाले साथ हो? बिना पार्टी के साथ। चलो ठीक है, दुकान भी बचाओ भैया, देखो रो समझा करो मेरी बात का माहौल क्या है। चलो पूछ लेते सवाल कुछ लोग, कुछ लोग यहाँ पर हैं। उत्कर्ष शुक्ला। क्या माहौल है आपके हैदरगढ़ का? ठीक है माहौल, वैसे ठीक ठाक है। कौन सी पार्टी ऊपर चल रही? पार्टी तो दो ही तीन लोग हैं टक्कर में। कौन कौन? एक आलोक भैया है, हाँ, और ये भाजपा और एक है, मतलब उधर थोड़े। अरे बोलो यार कोई, ये दो है फिलहाल मेरे। आपका फेवरेट कौन है? आलोक तिवारी। आपका फेवरेट? चाचा, आप क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। क्या माहौल है? ठीक है, अच्छा है। कौन है? भाजपा। भाजपा युग के साथ घूमते रहो? पूजा आयु के साथ घूमेंगे हम लोग, हिंदू हैं, हिंदू के साथ रहेंगे। साइकिल टोपी लगाए रहो तुम दिन? हम टोपी लगाए, टोपी क्यों लगाएंगे भाई, हम हिंदू हैं तो टोपी क्यों लगाएंगे? नहीं, साइकिल वाली टोपी लगाए, साइकिल की टोपी क्यों लगाएंगे? अच्छा, मिसमैच करके उन्होंने चेहरा का, हम आपका चश्मा लगा, चश्मा नहीं लगा रहा आपके? चश्मा कोई लगाएगा तो? नहीं, आपका चश्मा तो नहीं लगा रहा आज, लगा हम पहचान नहीं पाए ना आप। अच्छा, तो माहौल का है फिर? माहौल बढ़िया है।
कमलपुर जीतेगा। जीती का है, कौन मुद्दे पर? सब मुद्दा बढ़िया, विकास बढ़िया कर रहे हैं, पुराने हैं यहाँ के। हाँ अच्छा, कुछ लोग तो भाई कहते हैं कि विकास है, लेकिन अब जो कोई कहेगा कुछ, कोई कहता है कोई कुछ कहता है। हाँ भारी कौन रहेगा यहाँ पर? भारी कमल, कमल रहेगा। भैया देखो यहाँ का माहौल ये बताते कि दादा लोग हैं, तमाम लोग हैं, कुछ लोग हैं व्यापार भी देखा है कि उनके नाम ना ले पाए हम, क्योंकि भैया कहना सबके साथ है, उनका साथ सबके साथ सबका विकास है, नहीं तो सबके साथ रहें क्योंकि खुल के नहीं बोला जाता। चलो आप कुछ बोला चाहत का? और राम तो खड़े हो यार, बोल दो कुछ का बोला। अच्छा नहीं बोला चाहते हैं, चलिए आपसे पूछ रहे थे, आइए शर्माइए नहीं। सरकारी आदमी है। अच्छा आप सरकारी आदमी है, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हो सकते? अच्छा गवर्नमेंटेड आदमी है, भैया नहीं बोल सकते? मतदान करेंगे? मतदान तो करेंगे ना आप? मतदान करेंगे ना? बिल्कुल मतदान करेंगे, मतदान कराना है और मतदान करना। चलिए ठीक है भैया, देखो मतदान करेंगे, हमारा भी हमारा भी यही अपील है कि आप लोग मतदान जरूर करिए। लेकिन हैदरगढ़ के माहौल की अगर बात करें तो हैदरगढ़ में माहौल भाई काफी ठीक ठाक लग रहा। कुछ लोग कहना कि आलोक तिवारी भारी, कुछ लोग कहना कि बीजेपी भारी। अब देखने वाली है बात कौन है किस पर भारी, ये तो पता चलेगा भैया 13 तारीख को। तब तक के लिए आप करिए अपनी तैयारी यूपीटीपी के लिए।